आदित्य एकेडमी। तो आज आम डिस्कसन करवा जो जीरो टू हीरो ब्याज जो चलता से ब्याज को फिर आउ कंटिन्यू करूँगी। तो आज क्लास अच्छी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक चैप्टर एंड ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक व इंपोर्टेंट चैप्टर भी कहींपर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोथ ओएस एग्जाम ओ डबल एस एस सी कौन सी एग्जाम हो ओ ट्रिपल एस एस सी इवेन पीयू एग्जाम हो सब एग्जाम तुम मानक ये क्लासटा निहत दरकार। तो तुमको ये गोटे कथा कह चाहिए पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन गोटे एमती एक चैप्टर एमती कोई एग्जाम ना जो एग्जाम क्वेश्चन न आसी एमती को ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड रब ना जो ए एग्जाम क्वेश्चन न आसी। तो ये आम तीनो क्लास करवा रेशियो प्रोपोर्शन गोटे हम बेसिक क्लास कनसेप्ट क्लास द्वितीयटा हम मिडिल कनसेप्ट क्लास और लास्ट जो क्लास रहो क्वेश्चन आंसर क्लास रहो। तुम मानक सपोर्ट ही मत क्लास को कंटिन्यू करने बाध्य कर तुमने से सपोर्ट देमती जीरो टू हीरो ब्याज को देच सेमती दब ब्याज को आहरी इम्प्रुवमेंट करेगी तुमको आहरी इम्प्रुवमेंट करेगी। ठीक अच्छे रेसीो कह साधारण कौन बुझा सपोज गोटे पिला अच्छी ए आ गए पिला अच्छी बी ए रयस 20 वर्ष बी रयस 15 वर्ष दीज एज अच्छे जन 20 जन 15 मुझे कह रेसीो कहते रेसीो कहले दिजाई लोएस्ट फर्म मान आपको भी 5 डिवाइड कली आपको 5 डिवाइड कली 4:3 रेसीो है कौन ना 4:3 तार तो रेसीो कहले से बुझा दुईट नंबर मध्य लोएस्ट फर्म दुईट नंबर मध्य लोएस्ट फर्म को ही आम कही कौन ना रेसीो भी कह सपोज मुझे सपोज मुझे फादर जो फादर आन रयस हूँ बापा बयस 40 वर्ष था बेले पुअर बयस हूँ 30 वर्ष पुअर बयस 30 वर्ष तेल से रेसीो से रेसीो हूँ 4:3 4:3 रेसीो सब मन रख दुईटी नंबर भितर लोएस्ट फर्म को रेसीो ही कह जाए रेसीो बाहर कला बेले तुम्हें सब मन रखो आपको जो थी डिवाइड करवाइड करेसीो बाहर था सपोज मुझे कहली दुई जन सांग बयस रेसीो सपोज मुझे कहली 12:14 तेल एम रेसीो केम रेसीो के आपको जो थी मुझी आपको सही थे काटवी आपको जब मुझे 3 रे काटुची आपको 3 रे काटवी 3 रे काटूना कौन काटी ना 2 रे काटी आपको कौन काटी ना 2 रे काटी आपको 2 रे काटे के 6 आपको 2 रे काटे 7 ये दी जन रेसीो हूँ 6:7 के 6:7 रोच। आई होप समस्ते रेसीो कह बुझे किंतु वर्तमान आम देखा जे प्रोपोर्शन कहले कौन बुझा प्रोपोर्शन कहले कौन बुझा प्रोपोर्शन को जीवा पूर्व गोटे पॉइंट कह पे मन रख रेसीोर वाइस वर्सा मान मुझे हजबैंड आउ वाइफ कर बयसर रेसीो हजबैंड आउ वाइफ कर बयसर रेसीो सपोज 6:5 अच्छे अच्छी ना 6:5 अच्छे जदि मु तुम मानक कह हजबैंड आउ वाइफ बयस मिसिकी हूँ के 55 के 55 ताहले वाइफ रो बयस केते वाइफ रो बयस केते ताहले इथे हम कोन करिया पिले एटा होची लोएस्ट फॉर्म एटा लोएस्ट फॉर्म नै रेशियो इज मींस इट इज द लोएस्ट फॉर्म ताहले यार वैल्यू मु जानि नै आर वैल्यू मु जानि नै ताहले आकु मु कोन लिखिबी 6x लिखिबी आकु लिखिबी केते x 5x आई होप एटा समस्ते बुझि पारथियो ताहले आर मूल्य होची 6x आर मूल्य होची 5x ए काहे के मे x गुणि कारण ये जो रियल भैल्यू जिते बेक आम डिड कर हिसाब से सामान भी मल्टीप्लाई कर तो जड़े हूँ 6x जड़े हूँ 5x ए दीज मिसे के 11x इलेवेन एक्स इज इक्वल टू 55 कारण 11x इज इक्वल टू 55 तो एक्स है एक्स है 55 बाय 11 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5 एक्स मूल्य यदि 5 है वाइफ रयस हो 5x 5x मान 5:5 है 25। आई होप प्रथम कनसेप्ट रेसीो को लेकिन समस्ते बुझीपारी।
ତୁମକୁ ମୁଁ ବୋଥ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବୁଝେଇବି, ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବୋଥ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ଏବେ ଯିବା ପ୍ରପୋର୍ସନ, କେଉଁଠିକି ଯିବା ନା ପ୍ରପୋର୍ସନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରପୋର୍ସନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ମନେ ରଖିଲେ ପ୍ରପୋର୍ସନ, ପ୍ରପୋର୍ସନ କହିଲେ ଦୁଇଟି ରେସିଓ ଭିତରେ ଥିବା ରିଲେସନକୁ ଆମେ ପ୍ରପୋର୍ସନ କହିଥାଉ, ଦୁଇଟି ରେସିଓ ଭିତରେ ଥିବା ରିଲେସନକୁ ଆମେ ପ୍ରପୋର୍ସନ କହିଥାଉ। ସପୋଜ ଚାରି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବି ସି ଡି, ମୁଁ କହିଲି ଏ ରେସିଓ ବି ପ୍ରପୋର୍ସନ ସି ରେସିଓ ବି, ସି ରେସିଓ ବି, ତ ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରପୋର୍ସନ, ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରପୋର୍ସନ। ପ୍ରପୋର୍ସନକୁ ନେଇକରି ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ଆସେ, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନ, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଥାର୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ ବା ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଫୋର୍ଥ ପ୍ରପୋର୍ସନ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ, ଏ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଥାଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଆଉ ଫୋର୍ଥ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଦୁଇଟି ଭେରାଇଟି ଆସେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଦୁଇଟି ଭେରାଇଟି ଆସେ, କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେସିଓ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ, ଥାର୍ଡ ରେସିଓ ଫୋର୍ଥ, ଥାର୍ଡ ରେସିଓ ଫୋର୍ଥ, ନଚେତ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେସିଓ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ, ସେକେଣ୍ଡ ରେସିଓ ଥାର୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡ ରେସିଓ ଥାର୍ଡ, ଏ ଦୁଇଟି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ଏ ଦୁଇଟି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କେମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ଓକେ, ତ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡେଫିନେଟଲି ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମୋତେ ଆଗକୁ ନେବ, ମୋତେ ପ୍ରେରିତ କରିବ ନୂଆ କିଛି ଶାନଦାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, କହିଲେ କହିଲି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ଫାଇଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ, ଫାଇଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ ଭାଗ, ତାହେଲେ ମୋତେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି, ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଚାରି, ତାପରେ ଲେଖା ହବ ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ମୋତେ ଜଣାବି ଲେଖିଲି ଏକ୍ସ, ତାପରେ ଆସିଲା ପାଞ୍ଚ, ତାହେଲେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟାର ରୁଲ୍ କ'ଣ କହିଥିଲି ତୁମକୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାଏ ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ବାଏ ଥାର୍ଡ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଲେଖିଦେଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେସିଓ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ ସେକେଣ୍ଡ ରେସିଓ ଥାର୍ଡ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରପୋର୍ସନ ଲେଖୁଛେ କେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଲେଖିବା, ସପୋଜ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଯେତେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ ପଚାରିଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଲି ନା ଏକ୍ସ ଲେଖିଲି, ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ବାଇ ଥାର୍ଡ, ତାହେଲେ ଚାରି ବାଇ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ପାଞ୍ଚ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କୋଡ଼ିଏ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ହେଲା କେତେ ନା କୋଡ଼ିଏର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍, କୋଡ଼ିଏର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍, ଆଇ ହୋପ୍ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଲେଖିଲି ଛଅ ଆଉ ନଅ, କ'ଣ ଲେଖିଲି ଛଅ ଆଉ ନଅ, ଫାଇଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନ, ଫାଇଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନ ହେଉଛି ଏକ୍ସ, ତାପରେ ଛଅ, ତାପରେ ନଅ, ଏକ୍ସ ତାପରେ ଛଅ ତାପରେ ନଅ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା, ଏକ୍ସ ବାଏ ସିକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିକ୍ସ ବାଏ ନାଇନ, ଏକ୍ସ ବାଏ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାଏ ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ବାଇ ଥାର୍ଡ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ବାଇ ଥାର୍ଡ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହବ ନା ନାଇନ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଛତିଶ, ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଛତିଶ ବାଇ ନଅ, ଛତିଶ ବାଇ ନଅ, ନଅ ଚଉ ଛତିଶ, ତ ଏଠି ଏକ୍ସ ଆସିଲା କେତେ ନା ଚାରି, ଏକ୍ସ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନ, ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଛ। ତା ଅର୍ଥ ତୁମକୁ ଦୁଇଟି ଲେଟର ଦେଇଥିବ, ତୁମକୁ ପଚାରିବ ତୃତୀୟ ଲେଟର, ତା ଅର୍ଥ ତା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ବାଇ ଥାର୍ଡ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ବାଇ ଥାର୍ଡ। ମେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଦେଇଥିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଦେଇଥିବ ଛଅ ଦଶ ଫାଇଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ, ଫାଇଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଛଅ ଦଶ ଏକ୍ସ, ଛଅ ଦଶ ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖା ହବ, ସିକ୍ସ ବାଇ ଟେନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟେନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟେନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ,
ताले 6x is equal to 100, 6x is equal to 100, ताले x अला के थे, ना 100 by 6, 50 by 3, 50 by 3, I hope ये format वाला question को समझते बुझी पारी छो, I hope ये format वाला question को समझते बुझी पारी छो, एबे जिबा, proportion दीटा लेखा देखी रही तुर्तिय पचा उठला, एबे तिन्टा देखी हो, आ उड़े पचा हो, तिन्टा देखी हो, आ उड़े पचा हो, मन्ना को पिले, जदि को जिंसुक तमे हृदय में सहित चाहिबो ना कोनोसी शक्ति नहीं ताकु तमको अटके दबो बा तमको ताठरो दूरे दबो जदि तमे सेति के भल पाए रे सहित जॉब पछे जदि धांगलो ना डेफिनेटली जॉब तमको निश्चिंत हो एटा गारंटी सहित मु कहूचे काहे कि मु नहे जो माने सेति के भल पाए रे सहित जॉब पछे धाई छथि ना से निश्चिंत जॉब पाइ छथि देखो आउ एक एग्जांपल देली लेकिन 4 5 6 फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शन फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शन तले मको केम दे लिख परबी 4 x 5 6 4 x 5 6 तले 3 4टा अछि माने 1/2 इक्वल 3/4 तदन फर्स्ट कांसेप्ट कोन कोछि फर्स्ट बाय सेकंड इज इक्वल टू थर्ड बाय फोर्थ फर्स्ट बाय सेकंड इज इक्वल टू थर्ड बाय फोर्थ कारण कि चारटा संख्या अछि जे तीनटा थिला हम कोन उठले फर्स्ट बाय सेकंड इज इक्वल टू सेकंड बाय थर्ड तले इ कोन लिखला में 4 बाय x इज इक्वल टू 5 बाय 6 तो 5x इज इक्वल टू 6 24 5x इज इक्वल टू 24 तो x हला केते ना 24 बाय 5 x हला केते 24 बाय 5 x हला केते 24 बाय 5 सेमते आ गुटे एग्जांपल होउछि 1 2 3 फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन सेकंड फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन तले हम कोन लिखिबा x 1 2 3 x / 1 इज इक्वल टू 2 / 3 सिंपलीफाई कोले होउछि 3x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 2 / 3 x इज इक्वल टू 2 / 3 ताहले तुमको एग्जामिनर एही भोली आकार रे क्वेश्चन दे थाए ताहले तुमको एग्जामिनर एही भोली आकार रे क्वेश्चन दे थाए दुईटी क्वेश्चन मु तुमन को दउ छी जोटा कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम रे आसी सारी छी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम रे आसी सारी छी देखिबा कोन से क्वेश्चन थिला जोटा कि तुम्हारो होमवर्क हो बा तुमे एबे कमेंट करी दे पारिबो जे आर आंसर कोन हो आर आंसर कोन हो होमवर्क दीटा एग्जांपल दे 24 फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन गुटे क्वेश्चन द्वितीय क्वेश्चन होची द्वितीय क्वेश्चन होची 20 40 60 फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ओके फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ए दीटा क्वेश्चन को भलसे लेख ए क्वेश्चन रा आंसर मते कमेंट आकर दबो प्रीवियस बार नेक्स्ट क्लास रे तो बतेबी नचे कमेंट थुरे तुम मन मध्य कहि देबी आंसर पढ़ ये थिला प्रोपोर्शन को लेकर आसुथिबा किछ क्वेश्चन आकु छाडला परे मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोपोर्शन को नहीं क्वेश्चन हुए एबे देखिवा रेशियो एबे देखिवा रेशियो एबे जो पॉइंट ता देखिवा रेशियो रे मन रखियो पिले ए पॉइंट को लेकर बहु अभिज्ञ मैथमेटिशियन माने विभिन्न फार्मूला बाहर करछन तुम माने सब जानिथिओ सपोज मु कहली a is to b होची 4 is to 2 सॉरी 4 is to 3 b is to c होची सपोज 6 is to 7 फाइंड फाइंड a is to b is to c बहुत मैथमेटिक्स टीचर माने फार्मूला देछन मु भी मध्य मानुछ फार्मूला सहज करे किंतु यदि कि माने फॉर्मूला सब वाले वैदिक पाखे हानि छ फॉर्मूला सब वाले पाई वैदिक पाखे हानि छ काहे कि ना तुमे तीन टिका थिला बेले तमो फॉर्मूला रे स्पीड रे कर दो किंतु वैदिक जो जिंस हम सके भी तीन टिका हो
दुई टिके हाउ चारि टिके हाउ सेतिके स्पीड रे हबो फार्मूला ठारो अधिक स्पीड रे हबो एटा गारंटी सहित कहउछि विदाउट फार्मूला रे कहिबी कोनोसी फार्मूला लागिवनि किंतु तुम्हें जो फार्मूला सिखिछ प्रथमे से फार्मूला को आगो मनुरु हटा आगो से फार्मूला को मनुरु हटा ताहाले जाइकिरि चुटकी मारि आन्सर भाग तुम फर्मूला केवल तीन टिका जो दि टिके तीन टिका भाई पूरा धा धासु भले काम कर कि जो चार टिका पड़े आसो पल्टन मार मैंने हम टाइम टेकिंग मुझे विदिन 10-20 सेकेंड भितर तुम फ्रैक्शन हम स्पीड तुम कर कनसेप्ट आगे ए रेसीओ बी सेकेंड कहला बी रेसीओ सी तार्थ इटे बी रो दीटा मूल्य दूसरी बी रो कईटा मूल्य दूसरी दीटा मूल्य दूसरी तो ताको मैं ये लिखा नंबर आकर 4:3, 6:7 ताहले ये हूँ ए रर एटा हूँ बी रर एटा हूँ सी रर बुझेपाई कौच बुझीगला धासु भाई तुम हटक आंसर बाहर कर पूरा देख कमी आग तलू जावा छत को ओल्ल छत को ओल्ल कहीं ना ये बी रैल्यू नी छी रैल्यू नी सात ओके बी रैल्यू कह पे डिफरेंट हम कि गोटे छाला गोटे तीन हम कि ना जुआ गोटे हम जेहेतु ये बी रैल्यू को नहीं छपटे छाक पड़ो इंटु दुई कली मुझे रेसीओ दाए जहाँ डाए से तो एपटे दुई गुणी मैंने एपटे भी दुई गुणी आंसर आसला 8:6:7 आ गए क्वेश्चन दे कह टू बी हूँ 10:7 सपोज 10:7 मत से कहला जे बी इज टू सी हूँ 21:20 मत पचार ए इज टू बी इज टू सी कहते मुझे सजे भी लिखी 10-7, 21-20 तल दुटा को ओह्ल 21-20 तो ये जेहेतु दीज इक्वाल हवा दरकार इंटु तीन कली इंटु तीन कली आंसर आसला 30:21:20 30:21:20 आई होप एटा समस्ते बुझी पाच एवं टिके टॉप लेवल बुझा खाली जी एत सहज क्वेश्चन आसो ता नुह टे डिफरेंट वाला क्वेश्चन आस कम आस देखिए मुझे ए रेसीओ बी 4:5 ये अच्छे 4:5 बी रेसीओ सी बी रेसीओ सी 6:7 ये अच्छे 6:7 मत पचारा ए रेसीओ बी रेसीओ सी ए रेसीओ बी रेसीओ सी तेरे कमी कर चुटकी देख 4:5, 6:7 मुझको कौन कही पे जो दीटा थी ओल्लवा 6:7 तो ये हूँ कहार घर ना बी रर कहार घर बी रर तो ये छे एपट छा दरकार एपट छाइले के छाई पाँच ट्रिक कौन ट्रिक पाँच रत गुणे छ जहाँ दिन गुणिले नहीं आसने ऊपर जी दरकार रखदे ऊपर तो ये दीटा को गुणिले मो आंसर छबनी तरह एक्जाक्टली एपटे मतलब से गुणवा छाँच कत गुण छाँच छ 24/5 ये पाँच को हटापी समस्त मुझे छुण सरी समस्त मुझे पाँच गुण दे तो एपटे पाँच बोले 24 इटि पाँच बोले 30 इटि पाँच बोले 35 आई होप समस्त क्वेश्चन को बुझी पारुच आई होप समस्त क्वेश्चन को बुझी पारुच थरे मुंडे पुरे दियो जीवन सारा तुम मन रहा ओनली फॉर कांसेप्ट नो नो रूल कणिका गुणवा सीधा गुणवा फेर मिसेवा ए गुण नुहे ए फर्मुला नुहे बास कांसेप्ट ओनली फॉर कांसेप्ट एवं जी नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट पॉइंट हूँ बास नेक्स्ट एग्जांपल हूँ मुझे तुमको दिली ए रेसीओ बी हूँ 7:8 कौन अच्छी 7:8 बी रेसीओ सी हूँ
3 ratio 4 7 3 ratio 4 तो 8 को काटिया पाई सब थरे मो 8 गुणी एपडी भी 8 गुणली इठी भी 8 गुणली इठी भी 8 गुणली 8 8 कैंसिल हला 21 ओके हला 21 ओके तले इठी कोन लिखबा 8 3 24 8 4 32 8 4 32 21 24 32 राता राती चाकरी खोजुचे बेटा केबे हुए ना सबर मनको सबर का फल मीठा होता है जे सबर करी छी से फल पाई छी अपेक्षा रो फल मीठा ओके एबे हम चारि टिके देखिबा कोन कहू छी चारि टिके देखिबा एट तबे तम फार्मूला को मो ट्रिक को अप्लाई करियो देखियो के स्पीड हो छी मु कहली a is to b हो छी 5 is to 7 b रेशियो c रहउछि 14 रेशियो 9 ओके 14 रेशियो 9 ओके ओके तब आसला छ कोन c रेशियो d हुछि 18 रेशियो 13 हुछि मते पचाछ कोन a रेशियो b रेशियो c रेशियो d a रेशियो b रेशियो c रेशियो d आगो सजे की लेखो 5 रेशियो 7 14 रेशियो 9 18 रेशियो 13 बुझा पयलो आगो सजे के लिख दे का ए घर होछि ए रो घर एटा होछि b रो घर एटा होछि c रो घर एटा होछि d रो घर ओके जदी ए तीनटा को हम ओलहु छि ये होला 18 ये होला 13 ये 18 माने ऊपर भी 18 हो दथ इनटू 2 गली एफोर्ट भी इनटू 2 गली ताले 14 दुणे 28 ए घंटा आइला केते 28 यदि ये बा 28 ऊपर भी हो दरकार 28 एफोर्ट केते गली 3 गली ते 7 4 28 रा केते गली 4 गली ताले एफोर्ट मध्य 4 गली केते आसीला 20 ओते को जो माने फार्मूला को बोलतलो कहार स्पीड अछि कहार स्पीड अछि ओनली कांसेप्ट ओनली कांसेप्ट ना कोणी के गुणा ना निशान ना कोणी के गुणा ना निशान केवल ओनली फॉर ट्रिक ता तोरो कांसेप्ट देखो केमि आउथरी कहि दउ छी ये जो अछि सी आउ डी तळ दिटा को ओले एठी ए दी जण का मूल्य समान ये यदि 18 हो ये भी 18 हो त इनटू 2 गुली 11 18 गेलो एपर 2 गुण छले एपर 2 गुण भी 14 दुने 28 लिखिलो 28 ये भी 28 माने ऊपरटा हो 28 तो 7 4 28 तो एपडे 4 गुण छले एपडे 4 गुण 5 4 20 20 रेशियो 28 रेशियो 18 रेशियो 13 ओके अच्छा आउ एक पॉइंट बुझो नेक्स्ट पॉइंट बुझो मु कहली ए रेशियो बी होची 10 रेशियो 10 रेशियो लेमित्रिक द 5 रेशियो 4 5 रेशियो 4 बी रेशियो 6 होची 2 रेशियो 10 सो 2 रेशियो 9 गो 2 रेशियो ओके ता पर करो सी रेशियो बी होची 3 रेशियो 5 ओके तो किछ पिला हो तो सारा सहज नै हो सुनली सीधा सीधा काटि दउ छु एबे आसी डिफिकल्ट ओके मते पचाली
ए रेसियो बी रेसियो सी रेसियो डी के आगे सजे की लिखि पांच रेसियो चार दुई रेसियो नौ तीन रेसियो पांच ओके दीटा काटदे ये तल दीटा को ओह्लैवा ये तीन ये पांच यदि ये तीन अच्छे ऊपर भी तीन हो दरकार तेल एपट तीन डिवाइड कली एपटे कौन कल तीन डिवाइड कली आपको तीन डिवाइड कली आपको कौन करी तीन डिवाइड कली तेल आर मूल्य के दुई बै तीन ये लिखे दुई बै बुझा पड़ा दुई बै तीन लिखे तेल ए घर दुई बै तीन अच्छी मान ए घर भी दुई बै तीन हवा दरकार आपको ही कहते लक्ष्य तेल चारे के गुणिले दुई बै तीन हम चारे के गुणिले मोर हम के दुई बै तीन देख आम ये कौन कर दुई बै छ गुणी के गुणी ना दुई बै बार गुणी केते गुणली दुई बै बार गुणी केमी सर आप जानते केमी देख मत दरकार दुई बै तीन लिखिली दुई बै तीन के लिखिली ना दुई बै तीन लिखिली जहाँ दिए गुणी से कटिया दरकार तो इटी तले गोटे चार गुण मैं जोटा को इटी सैड रही आपको काटिया चार गुण दे चार बार के आसला ना दुई बै बार एवं से जिनस को एपटे गुणी दि दुई बै बार कितने आसा ना दुई बै बार तो एक घर है दस बै बार दस बै बार एवं पूरा क्लीयर है दस बै बार को आम सिंपलीफाई कर कौन लिखा पाँच बै छिखर पाँच बै छिखर पाँच बै छ देख पे इतने मुझे कौन गुणिले दीटा तल घर कटिज आ तल अच्छे तीन आ तल अच्छे छि समस्त छुण देवी पूरा सिंपल कटिज इतने छ गुणिले हम पाँच इतने छ गुणिले कैसा हम तीन छे दुई दु दुने चार इतने छ गुणिले कैसा हम छत्तीस अठर इतने छ गुणिले कैसा हम तीस आई होप ये समस्ते बुझीपार फाइव रेसीो फाइव रेसीो फोर रेसीो अठर रेसीो तीस फाइव रेसीो फोर रेसीो अठर रेसीो तीस सब मन रखिए ऊपर जहाँ रहो तल को सेयार करने चेस्टा कर सपोज मु तुमको कहे पाँच रेते गुणिले पाँच रेते गुणिले हम तो आज आम ये क्लास को रखुचे जी तुमको कनसेप्ट बुझेली से कनसेप्ट को भलसे बुझ निजे नोट लिख मुझे तीनो क्लास करी आसंता का क्लासटा तुमको मीडियम वेर जो क्वेश्चन आसूसी प्राक्ट करी और लास्ट जो सेक्शन जा रही हाई लेवल क्वेश्चन करी एति ग्यारंटी अच्छे ओ डबल एस एस सी ओ ट्रिपल एस एस सी ओपीएससी कौन भी क्वेश्चन आ बाहर को जीवन जे तीन टा क्लास बास तुम मान सपोर्ट तुम मान भल पाइबा रहा दरकार जदि मैंने तुम्हें चाहू क्लास तुम कंटिन्यू करवा लाइक कर सेयार कर सब्सक्राइब कर थैंक यू स्टूडेंट।